सो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी हो सकती थी पर हुई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लियो की। अब ये मूवी जब से अनाउंस हुई है तब से इस मूवी को लेके हाइप नेक्स्ट लेवल पे थी, क्योंकि लोकेश कनकराज और थलापति विजय साथ आ रहे थे इस मूवी के अंदर। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एलसीयू का पार्ट भी हो सकती थी, अभी भी क्लियर नहीं है कि एलसीयू का पार्ट है या नहीं। लेकिन जैसे जैसे इसका थिएट्रिकल रिलीज पास आता जा रहा है भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इस मूवी के अराउंड, और आज अपन उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इस मूवी को ये बताया गया था कि हिंदी मार्केट में तगड़ा रिलीज देंगे तगड़े प्रमोशन के साथ, बट रिलीज को एक दिन बचे हैं, जीरो प्रमोशन हो रखे हैं और रिलीज तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है हिंदी मार्केट के अंदर, और इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ क्या बुरा घपला हुआ वो तो तुम्हें इस वीडियो के अंदर पता चले जाएगा। सो इन सारी प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है, क्यों आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है लियो मूवी को, अब क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका रीजन जानने के लिए अपने को टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नहीं, अपन टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें स्टोरी जरूर बता सकता हूं कि एक्चुअली में सब चीजें शुरू कहां से हुई। तो बेसिकली जब इस मूवी को अनाउंस किया गया था तब हमें पता चला था कि भाई इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं लोकेश कनकराज, जो कि तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट विजनरी डायरेक्टर्स में से एक है, जिनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक बड़ी बजट मूवी के अंदर एक ग्राउंडेड स्टोरी को लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से बड़े बजट होने के कारण हमें वो मास वाली फीलिंग तो आती है लेकिन साथ में वो ग्राउंडेड थ्रिलर भी फील हो जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हें पिछले साल की विक्रम मूवी में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी 2022 की। एंड उसी विक्रम मूवी में लोकेश कनकराज ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किया था। अब एक्चुअली में इसकी पहली मूवी कैथी थी, जो कि बहुत पहले रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी इसको एस्टैब्लिश इस विक्रम मूवी में किया गया, जहां हमें मूवी के एंड में सूर्या यानी कि रोलेक्स का कैमियो देखने को मिलता है। रोलेक्स उसका नाम है दिल्ली। तो विक्रम मूवी के बाद लोकेश कनकराज का अगला प्रोजेक्ट लियो, जो कि कल रिलीज होने वाला है, तो लोग ये स्पेकुलेशंस कर रहे थे कि भाई उसी एलसीयू का पार्ट होगा लियो, और उसकी वजह से लियो की जो हाइप थी वो स्टार्टिंग के फेसेस में भी बहुत ज्यादा हाई थी और ऑडियंस पहले से ही इस मूवी को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और इसी चीज का फायदा मूवी के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स ने उठाना चाहा और इसकी राइट्स बहुत जल्दी बेच दी। और जहां तक मुझे याद है, जब लियो का ब्लडी स्वीट वाला ग्लिम्स आया था, ब्लडी स्वीट, उसी के आसपास इस मूवी की राइट्स बिकी थी, और इस मूवी की राइट्स ऑलमोस्ट 450 करोड़ में बिकी थी, जहां इसकी सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, म्यूजिक राइट्स सब कवर हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यही शुरू होती है, इन सभी राइट्स में से जो ओटीटी वाली राइट्स थी उसने प्रोड्यूसर्स ने ये क्लॉज साइन किया कि भाई मूवी के रिलीज के 30 दिन बाद आप अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमारी मूवी लगा सकते हो। पैसे के लालच में आके प्रोड्यूसर्स ने ये क्लॉज तो साइन कर दिया, लेकिन अब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नेशनल चेन्स वाले जितने भी सिनेमाज हैं, जैसे कि पीवीआर, आईनॉक्स, वो अपने थिएटर्स में लियो को लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो अपने थिएटर्स में लियो क्यों नहीं लगा रहे, उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उनकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि अगर आप कोई भी मूवी हमारे थिएटर में लगाना चाहते हो तो उसको आप अप्रॉक्स 80 डेज तक किसी भी ओटीटी या किसी और प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करोगे। अब सिंस पैसों के चक्कर में उन्होंने एक क्लॉज पहले ही साइन कर लिया था, तो अब वो नेशनल चेन्स में इस मूवी को रिलीज नहीं कर सकते। तो हिंदी मार्केट के अंदर लियो को जितनी भी स्क्रीन्स मिलेंगी वो सारी सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमास की होंगी, बाकी पीवीआर, आईनॉक्स जैसे बड़े सिनेमास में ये मूवी रिलीज नहीं होने वाली। और हो सकता है कि आप भी इस चक्कर में थोड़ी बहुत पिस्ड हो गए हो मूवी मेकर से लेके, क्योंकि आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे और अब आपके आजू बाजू ये पिक्चर लग नहीं रही, तो आप ये पिक्चर देखोगे कहां? अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लोकेश कनकराज की भी गलती नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट में रूमर्स ऐसे आए थे कि भाई जो डायरेक्टर हैं यानी कि अपने लोकेश भैया, वो प्रोड्यूसर से उनका 36 का आंकड़ा हो गया, थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई इंटरनल टीम से। अब जाहिर सी बात है वो क्यों हुई होगी, इसी वजह से क्योंकि लोकेश कनकराज एक विजनरी डायरेक्टर है, उनके लिए कॉन्टेंट मैटर करता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने पैसे के लालच के चलते भाई उनकी जो ऑडियंस थी उनको ऑलमोस्ट आधा कर दिया, क्योंकि हिंदी मार्केट इंडिया का लीडिंग मार्केट है और किसी भी मूवी को अगर 1000 करोड़ जाना है तो हिंदी मार्केट का सपोर्ट लगेगा ही लगेगा, और थलापति विजय लोकेश कनकराज एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि 1000-1200 करोड़ का पोटेंशियल आराम से रखते हैं, बट बिना हिंदी मार्केट के स्ट्रॉन्ग रिलीज के ये अब सिर्फ एक सपना रह जाएगा। और ऐसा ही सिमिलर कुछ केस जेलर मूवी के साथ हुआ था, यानी कि अगस्त में जो रजनीकांत की मूवी आई थी जेलर, उसके साथ पठाला की उस मूवी को लेके इतनी ज्यादा हाइप नहीं थी तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन उस मूवी को भी इतने अच्छे से रिलीज नहीं किया गया था हिंदी बेल्ट के अंदर, और साथ ही साथ 30 दिन के अंदर ही उसको ओटीटी पे डाल दिया गया था। अब तुम खुद सोचो, 10 अगस्त को पिक्चर रिलीज होती है, लेकिन मेरे यहाँ वो पिक्चर लगती है 3 सितंबर।
और मैंने 3 सितंबर को पिक्चर देखी थिएटर्स में जाके। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को तो फायदा मिल जाता है राइट्स बेच के, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस का लॉस है, क्योंकि भाई अपन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट रीजन की कॉन्टेंट को एंजॉय नहीं कर सकते, और जब तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इंडियन सिनेमा और कहीं इवॉल्व होकर जाएगा। क्योंकि देखो अगर सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आती है तो बनता है इंडियन सिनेमा, और अगर हर एक इंडस्ट्री दूसरे बेल्ट की ऑडियंस को समझे, वहां पे प्रमोशंस करे, अपनी पिक्चर को प्रमोट करे, तो वो पिक्चर वहां से भी कलेक्शन करेगी, और फिर 2000 करोड़ 3000 करोड़ भी कोई छोटा नंबर नहीं रह जाएगा हम सबके लिए। अब जैसा कि लियो के मेकर्स ने सोचा कि भाई हिंदी मार्केट हमारा मार्केट नहीं है, हम उस पर प्रमोशन नहीं करेंगे, बट शायद वो हिंदी में प्रमोशन करते तो शायद 200-300 करोड़ तो आराम से ले जाते। अब इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी। अब उन्होंने हिंदी मार्केट के अंदर इस मूवी को लेकर प्रमोशंस नहीं किए थे, लेकिन रिलीज तगड़ा दिलवाया, जिसकी वजह से मूवी ने 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, वो भी सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर। तो खैर यही था एक छोटा सा वीडियो, अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ये सेटिंग नहीं लग रही हो और थोड़ा छपरी भी लग रहा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जो मैंने आज लाइट मंगाई है फ्लिपकार्ट से उसके साथ रिमोट नहीं आया है, तो ये ऑटोमेटिक पे चल रहा है, नहीं तो मैं एक ही कलर लगा के रखता, तो अगर थोड़ा छपरी लग रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो अपन मिलेंगे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नाम है अवि एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अवि।